दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। पार्सल ब्लास्ट, सुफियान नाम की पहेड़ी सुलझाने में जुटी पुलिस। दरभंगा हवाई अड्डे पर दो मिले कोरोना पॉजिटिव। सड़क दुर्घटना में तीन युवक हुए जख्मी। LNMU इतिहास ऑनर्स की ऑनलाइन कक्षा शुरू। नवोदय के TGT परीक्षा में मिली सफलता। अब खबर विस्तार से। पार्सल ब्लास्ट, सुफियान नाम की पहेड़ी सुलझाने में जुटी पुलिस। दरभंगा जंक्शन पर रेडीमेड कपड़ों के पार्सल ब्लास्ट के 5 दिन बाद भी लेट पुलिस मामले की गुत्थी नहीं सुलझा सकी। मामले में मोहम्मद सुफियान का नाम सामने आने के बाद उसकी तलाश में पुलिस व ATS की टीमें तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश तक की खास छान रही है। सिकंदराबाद से लेकर बिहार के कटिहार व उत्तर प्रदेश के शामली तक से सुफियान के तार जुड़ रहे हैं। हालांकि सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले मोहम्मद सुफियान की अभी तक पहचान नहीं हो पाने से पुलिस फिलहाल अंधेरे में ही तिल चढ़ा रही है। पार्सल में पाई गई सीसी में भरे गए विस्फोटक पदार्थ की FSL जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आने से पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सिकंदराबाद में CCTV फुटेज के बाद कई संदिग्ध पुलिस के रडार पर हैं। हालांकि अभी तक उनकी गिरेबान तक नहीं पहुंच पाने के कारण दरभंगा जंक्शन पर हुए ब्लास्ट का मामला पुलिस के अलावा आम लोगों के सामने पहली बना हुआ है। सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले का नाम मोहम्मद सुफियान रहने की जानकारी मिलते ही ATS के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि पूर्व में आतंकी वारदातों में सुफियान नाम के कई लोग के शामिल रहने के कारण यह तय कर पाना आसान नहीं है कि पार्सल भेजने वाला सुफियान इसमें से कौन है। अहमदाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुफ्ती सुफियान का नाम आया है। गुजरात ATS को उसकी तलाश थी। वहीं दूसरी ओर आतंकी कनेक्शन में झारखंड के चतरा के अबू सुफियान का नाम सुर्खियों में आया था। वह वर्षों से ट्रेसलेस हैं। इन लोगों के अलावा देश विरोधी गतिविधियों में कई अन्य सुफियान के नाम से सामने भी आ चुका है। सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाला सुफियान नाम शख्स कौन है यह पता लगाना पुलिस और ATS के सामने बड़ी चुनौती है। इधर जानकारी के अनुसार बंजारा हेड की दुकान से रेडीमेड कपड़े खरीदने वाले का स्केच जारी किए जाने से पुलिस को उम्मीद है कि वे जल्द ही दो दोषी को गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। ब्लास्ट की साजिश का पता लगाने के लिए सुफियान की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पार्सल भेजने वाले की गिरफ्तारी के बाद ही साजिश का खुलासा हो सकेगा। हालांकि यह तो तय है कि सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के लगेज वैन में ब्लास्ट होता तो बड़ी घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरभंगा हवाई अड्डे पर दो मिले कोरोना पॉजिटिव। दरभंगा हवाई अड्डे पर बुधवार को 34 यात्रियों तथा CHC पर 200 लोगों की रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई। 101 यात्री अपने साथ जांच प्रमाण पत्र लाए थे। हवाई अड्डे पर जांच के दौरान 2 यात्री पॉजिटिव मिले। इनमें एक खिड़मा और दूसरा बिरोड की डुमड़ी का बताया गया है। इसका पुष्टि स्वास्थ्य प्रबंधक दीपक कुमार ने की है। दोनों को दवा देकर होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। दोनों पॉजिटिव मुंबई से आए हैं। सड़क दुर्घटना में 3 युवक हुए जख्मी। बिरोल गंडोल हाईवे स्थित कमरा ब्रिज के पास बुधवार की शाम हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक चालक सहित 3 युवक घायल हो गए। घायलों को स्थानीय चिकित्सक के यहां उपचार के लिए दाखिल किया गया है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कमरा ब्रिज के पास सड़क पर जलजमाव के कारण एक बाइक फिसल गई। उसकी चपेट में आकर पैदल यात्रा कर रहे 2 अन्य युवक भी जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में एक युवक समस्तीपुर जिले के बिरहा गाँव तथा 2 स्थानीय पुनाश गाँव के रहने वाले बताए गए हैं। LNMU इतिहास ऑनर्स की ऑनलाइन कक्षा शुरू। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग द्वारा स्नातक प्रथम भाग इतिहास प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं के केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रेरण सह वर्ग संचालन बुधवार को शुरू हुआ। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नैयर आजम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के सामूहिक मार्गदर्शन में आयोजित वर्ग संचालन की प्रशंसा की तथा छात्रों से आपदा काल में किए जा रहे नवीन विधि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का लाभ उठाने का आह्वान किया। विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर इंद्र नारायण शाह ने छात्रों को स्नातक भाग प्रथम इतिहास प्रतिष्ठा के विषय वस्तु को विस्तार से समझाया। वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र ने इतिहास अध्ययन की महत्व पर प्रकाश डाला। नवोदय के TGT परीक्षा में मिली सफलता। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर समूह की सक्रिय सदस्य हायाघाट प्रखंड के पूर्व BEO हरिशंकर झा की सपुत्री सोनी कुमार ने नवोदय विद्यालय समिति TGT परीक्षा में पूरे देश में 13वां बिहार उच्चतर माध्यमिक TET परीक्षा में पूरे बिहार में गणित में 10वां स्थान प्राप्त कर दोहरी सफलता अर्जित की है। TBT समूह के राज्य मीडिया प्रभारी डॉक्टर कुमार मदन मोहन ने समूह की तरफ से सोनी झा को बधाई दी है। TBT समूह के मनोज त्रिपाठी, कुमार गौरव, कुमारी गुड्डू, मेरी आडलिन, मीरा कुमारी, सृष्टि मुखर्जी, ज्योति राय, कंचन प्रभा, डॉक्टर नमीश कुमार चौधरी और डॉक्टर रोशन कुमार सिंह और दरभंगा के सैकड़ों शिक्षकों ने सोनी कुमार को बधाई दी है। राज्य मीडिया प्रभारी डॉक्टर कुमार मदन मोहन ने कहा कि सोनी झा समूह में जुड़कर लगातार ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रही थी। अध्यापन में निरंतरता के कारण भी उनका ये रिजल्ट आया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।